स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग. ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडरिंग मी. आ जाओ. अच्छा, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? नोट्स दिख रही है क्या? एरोसोल दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? एरोसोल दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड. अब भावना उसको सेलेक्ट करके तब प्रेजेंट करो, अदरवाइज ना ये जो स्क्रीन अभी नॉर्मल है ना वो आ रहा है, या फिर एंटायर स्क्रीन को चूज करो. एक सेकेंड एक सेकेंड. अब दिख रहा है? आप दिखेगा. ओके ओके, थैंक्स. दिख रहा है. थैंक्स दीपांशु सर, ऑलवेज वेलकम. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते ही है. और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आपसे बन जाएगा. लास्ट ईयर कुछ असम्पशन रीज़न पूछा था, तो प्रॉबेबली हो सके तो मैं अभी आपको दिखा दूँगी, या फिर आपको टेस्ट में जो है देखने को मिल जाएगा, या ग्रुप पे मैं जो है आपको क्वेश्चन जो है शेयर कर देती हूँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए. तो देखो, एरोसोल, एरोसोल से आपको अगर कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी तो आपसे आपको ये याद आ रहा होगा कि एरोसोल मतलब आपने जैसे मूव देखा होगा. ठीक है, घर पे कॉमन सा एग्जांपल मूव, या आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हो, मतलब कुछ ऐसा टाइप का डोजेस फॉर्म जहाँ पे हम कुछ मैकेनिज्म से, मतलब उसको एक्चुएशन करने के बाद मुझे जो है उसमें से जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सपेल आउट होते हुए दिखता है. ठीक है, अभी इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, ये मेरा डोजेस फॉर्म वो कंटेनर के अंदर कैसे भरा हुआ है, उसमें क्या प्रेशर लगा हुआ है, क्यों मैं जब उसमें से प्रेशर रिलीज़ करती हूँ तब मुझे वहाँ पे क्यों ड्रग का रिलीज़ देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें जो है हम ये कवर करेंगे ये चैप्टर में. ठीक है, तो एरोसोल क्या है? मेरा एक डोजेस फॉर्म है, प्रेशराइज डोजेस फॉर्म है. जब मैं उसके बॉटल को, जैसे आप समझ रहे हो तो बहुत बड़ी बॉटल है, ये बॉटल है, इसको मैं जैसे है, यार एक सेकंड रुको, परफ्यूम दिखा देती हूँ तुमको. ठीक है, ये इसमें इतना ऐसा प्रोपेलेंट तुम्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ये तो सिंपल मैकेनिज्म है. ठीक है, ये मेरे पास समझ लो एक एरोसोल का कंटेनर है, समझ लो मूव या इनहेलर है कुछ. तो क्या होगा, ऐसे मेरा ये माउंटेन कैप, फेरुल, ये सब पार्ट्स हम सब देखेंगे. ठीक है, ये डीप ट्यूब, ये जो ट्यूब दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? डीप ट्यूब बोलते हैं. ये डीप ट्यूब जो होती है हमारी किससे बनी होती है, किसी को आइडिया है? इसके ऊपर क्वेश्चन जीपैट में पूछा गया, डीप ट्यूब किससे बनी होती है किसी को आइडिया? फटाफट आंसर करो. डीप ट्यूब पॉलीप्रोपाइलिन. ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन और एक चीज़ से बनी होती है, दो चीज़ से बनी होती है हमारी. ठीक है, तो ये डिप ट्यूब, ये हमारा माउंटिंग कैप इसको बोलेंगे. ठीक है, इसको हम एक्चुएटर, जब मैं इसको प्रेस करूँगी, ये मेरा वॉल्व हो गया, ये सब पार्ट्स सब जो है देखेंगे. तो ये कैसा है, समझ लो एक नेबुलाइजर है. इसमें जो ये डोजेस फॉर्म फील होगा, ये बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, हमने प्रेशर अप्लाई किया है. क्यों प्रेशर अप्लाई किया है? क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ प्रोपेलेंट यूज़ कर रही हूँ. प्रोपेलेंट जो है उसको हम लिक्विफाई करके यूज़ करते हैं, और प्रोपेलेंट का काम ये होता है कि वो वहाँ पे प्रॉपर प्रेशर मेंटेन रखे. और प्रेशर मेंटेन होने के वजह से जब मैं यहाँ पे कोई मैकेनिज्म यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक्चुएशन, देखो ये स्प्रे कर रही हूँ, तब यहाँ से स्प्रे करने के बाद मेरा डोजेस फॉर्म जो है वो रिलीज़ होता है.
ठीक है। तो ये ऐसे टाइप में आपको कुछ भी प्रोडक्ट देखने को मिले तो वो एरोसोल्स होते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल वाला है, इसमें कोई ऐसा प्रोपेलेंट वगैरह मिक्स नहीं है। बट आप जब इसके देखोगे, नेबुलाइजर्स वगैरह देखोगे, आप इनहेलर्स देखोगे, तो वहाँ पे स्पेशल टाइप का ये यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे देखो, इसको ट्रीट करने के लिए कहाँ पे, अस्थमा और COPD में आपने देखा होगा कि हम वहाँ पे इनहेलर्स जो है यूज़ करते हैं। आपने बहुत बार मूवीज़ में देखा होगा कि किसी को एकदम ही अस्थमा का अटैक आ जाता है तो उसको स्प्रे देते हैं। तो आपने वो जो स्प्रेइंग मशीन है वो आपने देखी होगी, जो उसका इनहेलर है वो देखा होगा। उसके ड्रग्स बता सकता है मुझे कोई, अगर किसी को एक्यूट अस्थमा का अटैक आया हो तो कौन से ड्रग का इनहेलर देते हैं हम लोग? हो गया है ना शायद आपका रेस्पिरेटरी, नहीं भी हुआ होगा तो अभी तक तो आ जाना चाहिए आपको, आपके पास 3 ही महीने बाकी है, ठीक है। सालब्यूटामॉल, प्रोपेनलॉल यूज, एक्यूट अटैक की बात कर रही हूँ मैं। प्रोपेन रोल कहाँ से आएगा गौरव? सालब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, या सालमेट्रोल, या फॉर्मेट्रोल यूज होगा? एक्यूट अटैक की बात कर रही हूँ। चल ठीक, देखो दो टाइप के आपको पूछा जाएगा, क्रोनिक अटैक के ऊपर और एक्यूट अटैक के ऊपर। जब एक्यूट की बात हो रही है तो फास्टर एक्शन वाला जो है, जैसे सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, ठीक है। और लॉन्ग एक्शन कब यूज़ होगा? जब क्रोनिक वाला रहता है तो वहाँ पे फॉर्मेट्रोल आता है, ठीक है। फॉर्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल इज अ फास्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग? लॉन्गर एक्टिंग। जाके अच्छे से आज क्लासिफिकेशन पढ़ो, इसका क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, ठीक है। तो देखो अभी समझ गया एरोसोल कौन सा डोजेस फॉर्म होता है, कैसा डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है। अभी इसमें एक टर्म आती है, स्पेस स्प्रे। स्पेस स्प्रे को हम बोलते हैं एयरबॉर्न मिस्ट, जिसका मॉलिक्यूल साइज, मतलब पार्टिकल साइज जो रहेगा मेरा, वो मेरा बिलो देन 50 माइक्रोमीटर रहेगा, ठीक है। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टर्म अगर पूछ लिया तो व्हाट इज स्पेस स्प्रे, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे जो पार्टिकल साइज रहेगा वो बिलो 50 माइक्रोमीटर रहेगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना। अब ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं मेनली? हम लोग ट्रीटमेंट किसकी? अस्थमा और COPD के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, डायरेक्ट हम दे रहे हैं, ठीक है, इनहेलेशन हम डायरेक्ट नेजल रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेरा कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह चीज़ नहीं होगी। सेकंड, मैं डायरेक्ट लंग्स में दे रही हूँ, तो मुझे पता है कि लंग जो है एक हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है, ठीक है। हाईली परफ्यूज, व्हाट इज परफ्यूजन? परफ्यूजन बता सकता है कोई? परफ्यूजन क्या होता है? परफ्यूजन? नो वन? जहाँ ज़्यादा ब्लड जाता है, ब्लड सप्लाई, हाई ब्लड फ्लो। परफ्यूजन आपको ऐसे याद रखना है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू अ ऑर्गन, ठीक है। रेट, रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू अ ऑर्गन, तो जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा परफ्यूजन है, मतलब वहाँ पे ब्लड जो है वो ज़्यादा रेट में और ज़्यादा बाहर जाता है। अगर वो ज़्यादा बाहर जाता है, मतलब वो अगर मुझे बाई अवेबिलिटी किसी ड्रग की, या मुझे क्विकर एक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये रूट को यूज़ कर सकती हूँ जहाँ पे ज़्यादा ब्लड जा रहा है, और वहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इंस्टेंट एक्शन जो है ले सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेरा परफ्यूजन होगा लंग से, इसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा मुझे, जैसे एल्वियोला है, मुझे बताओ लंग्स, अगर आपने पार्ट्स ऑफ लंग पढ़ा है तो गैस एक्सचेंज कौन से पार्ट से होता है? गैस एक्सचेंज, जैसे मेरे पास क्या क्या होता है, ब्रोंकाई होता है, ट्रेकिया होता है, एल्वियोला होता है, ठीक है, एल्वियोला होता है। तो गैस एक्सचेंज मेरा एल्वियोला से होगा, मतलब जो मेरा CO2 और जो ऑक्सीजन है ब्लड से लंग्स में और लंग्स से ब्लड में, ये मेरा अल्वियोलाई से होता है। तो सिमिलर जब मैं ड्रग की बात करती हूँ, तो वहाँ पे भी जो एक्सचेंज है मेरा ड्रग का फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड एंड ब्लड टू द लंग्स, वो कहाँ से होगा मेरा? वो भी मेरा अल्वियोलाई से होगा। तो यहाँ पे देखो, परफ्यूजोंगर, आप जब बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पे है परफ्यूजन का पूछा जाता है कि किस ऑर्गन में परफ्यूजन ज़्यादा होता है, किस ऑर्गन में परफ्यूजन लीस्ट होता है। ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है, तो आपको ट्रिक याद करनी है, लीकी लूमू, ठीक है। लीकी लूमू, इट इज़ लीवर फर्स्ट, देन सेकेंड इज़ किडनी, थर्ड इज़ हमारा लंग्स, एंड फोर्थ इज़ मसल। ये चार तो आपको अच्छे से ये सीरीज़ में याद करनी ही करनी है। फिर और एक बड़ी सीरीज़ आती है, जहाँ पे आपको एडिपोस टिश्यू, ब्रेन, ये सब चीज़ें मिला के एक आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी, वो आप बायोफार्मास्यूटिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा, जब मैं इसको लंग्स से एडमिनिस्ट्रेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम उसको जनरली प्रीफर कर ले फास्टर एक्शन के लिए। फिर आ जाओ यहाँ पे,
जैसे मैंने बोला कि पार्ट्स ऑफ लंग्स कितने होते हैं, तीन मेरे को जनरली देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज ट्रेकी, ठीक है, ट्रेकिया है। फिर उसके बाद मुझे ब्रोंकियोल्स देखने को मिलते हैं। ब्रोंकियोल्स का फिर से सब डिवीजन होता है ट्रीक, और एक बार मैम लिखी तो है यहाँ पे ली की लू मू, ठीक है, ली की लू मू, लीवर, किडनी, लंग्स, मसल, ली की लू मू। पूछा गया था 2021 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज़ द हाइएस्ट परफ्यूजन रेट, और वहाँ पे आंसर था लीवर, ठीक है, वहाँ पे आंसर था लीवर। तो आपको ये जो है ये याद करना है, ठीक है। तीन पार्ट बोला मैंने, ट्रकिया, उसका जब लिस्ट पूछा था तो लिस्ट वाला आंसर कर देना है आपको, और क्या, 2021 में, और उसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ट्रकिया, फिर ब्रोंकियोल्स में डिवीजन होगा, और ब्रोंकियोल्स के बाद उसका और डिवीजन होके मुझे एल्वियोलाई मिलता है। अब वो पार्टिकल साइज जो है एरोसोल का, अगर किसी एरोसोल का पार्टिकल साइज जो है मुझे 6 माइक्रोमीटर देखने को मिल रहा है, तो वो सिर्फ मेरे ब्रोंकियस तक जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, बड़े पार्ट्स से छोटे छोटे पार्ट्स बन के मुझे छोटा छोटा जो है ये पार्टिकल्स है या ऑर्गन है मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब ब्रोंकियस से एल्वियोलाई देखने को मिल रहा है। तो 6 माइक्रोमीटर है, मतलब बड़ा साइज है, वो कहाँ तक जाएगा, ब्रोंकियस तक जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा पार्टिकल साइज जब 2 माइक्रोमीटर हो जाता है, मतलब 6 से 2 माइक्रोमीटर है, तब वो मेरा क्या आ जाएगा, एल्वियोलाई तक जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पार्टिकल साइज। अगर मुझे ब्रोंकियल्स में ही एक्शन चाहिए तो मैं 6 माइक्रोमीटर तक का बनाऊंगी, अगर मुझे एल्वियोलाई में चाहिए, डायरेक्ट मुझे ब्लड में जाना चाहिए, तो मैं वहाँ पे 2 माइक्रोमीटर तक बनाऊंगी। जैसे ये देखो, अगर मेरे पार्टिकल साइज कितना है, यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर, ये कहाँ तक जाएगा, ट्रेकिया तक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मेरा पार्टिकल साइज 2, 5 to 2, मतलब 6 to 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, थीके? मतलब 2 के ऊपर और 6 के नीचे अगर मेरा पार्टिकल साइज है, वो कहाँ तक जाएगा, मेरा ब्रोंकियोस तक जाएगा मेनली, ठीक है, ब्रोंकियोस तक। जब मेरा पार्टिकल साइज और छोटा होने लग जाता है, 1 माइक्रोमीटर से छोटा हो जाता है, अब अगर 2 तक है तो मुझे पता है अल्वियोलाई तक जाएगा, हमने ये पहले ही देखा, अल्वियोलाई तक 2 माइक्रोमीटर। बट अगर वो 1 माइक्रोमीटर से भी कम पार्टिकल हो गया तो क्या होगा, वो अल्वियोलाई में भी नहीं रुकेगा, वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। मतलब मुझे अगर लंग्स में एक्शन चाहिए तो मुझे लंग्स में एक्शन नहीं देखने को मिलेगी, वो बाहर निकल जाएगा, और जो मुझे डिजायर्ड एक्शन चाहिए थी वो मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए पार्टिकल साइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि एक सीव जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बड़ा पार्टिकल है तो ऊपर रहेगा, छोटा पार्टिकल थोड़ा नीचे आएगा, और छोटा पार्टिकल है तो वो तो बाहर ही निकल जाएगा। तो ये जो है हमें याद करना है कि जब हम पार्टिकल साइज की बात करते हैं तो किस तरह से कहाँ कहाँ कौन सा माइक्रोमीटर तक आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये पार्टिकल साइज के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप अच्छे से याद कर लो कि कौन सा पार्टिकल कहां तक जाएगा। फिर आ जाओ ये टाइप्स ऑफ एरोसोल। टाइप्स ऑफ एरोसोल में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरोसोल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज मीटर डोज इनहेलर, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कहीं पे तो भी मीटर लगा हुआ है। अब ये मीटर क्यों लगा हुआ है, अगर मुझे मेरे पास बहुत पोटेंट ड्रग है, मुझे उसकी डोज अगर मैंने बोला कि 2 माइक्रोग्राम चाहिए तो उतनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए। अगर कम हो गया तो एक्शन नहीं मिलेगा, और ज़्यादा हो गई तो मुझे क्या मिलेगा, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर एक ऐसा मैकेनिज्म लगा देते हैं, ऐसा मीटर लगा देते हैं कि वहाँ पर हमारा जो डोज रहेगा उसी जो अमाउंट में चाहिए उसी अमाउंट में जो है डिलीवर होगा, ठीक है। तो ड्रग को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नॉन एक्वस प्रोपेलेंट में जो है उसको हम डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर प्रेशर करके हम उसको फिल कर देते हैं, और जब हम उसको एक्चुएशन करते हैं, जब रिलीज करते हैं ड्रग का, तो जितना अमाउंट हमें चाहिए उतना ही डिजायर अमाउंट को जो ड्रग को है हम एक्सपेल आउट करते हैं, कहाँ से, मीटर डोज इनहेलर से, ठीक है। फिर मेरे पास है ड्राई पाउडर इनहेलर। ड्राई पाउडर इनहेलर में हम लोग क्या करते हैं, फाइन फाइन पाउडर्स रहते हैं, ठीक है, अभी ये पाउडर है, ड्राई है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोपेलेंट की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे पेशेंट को कि तुम सिर्फ इसको इनहेल कर लो, ठीक है, इनहेल कर लो। तो इनहेल करने की वजह से जो भी कोई एक क्या बोलते हैं वैक्यूम क्रिएट होगा, जैसे आपने कभी बलून फुलाया होगा, फिर आपने उसकी फिर से उसको जो है इनहेल किया होगा,
ठीक है, तो आपको दिखता है कि वहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होता है, तो जब मैं उसको इनहेल करती हूँ ड्राई पाउडर को, तो जो पाउडर है वो मेरे जहाँ पे मुझे जैसे इनहेल करने के बाद लंग्स में जो है उसका पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोपेलेंट वगैरह की जो है बात नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ ड्राई पाउडर इनहेलर। फिर आता है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर में हम लोग क्या करते हैं, फेस मास्क यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोविड में अभी इतने बार देखा होगा, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, कोई वेपरक्स ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था जस्ट थ्रू दी मास्क, क्योंकि हमारा मेनली इन्फेक्शन कहाँ हो रहा था, लंग्स में हो रहा था, तो लंग्स में हमें एक्शन चाहिए थी चीज़ों की, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मास्क से जो है वो फास्ट एक्शन फास्ट डिलीवरी दे रहे थे, जब मेरे पास लार्ज थेरापिटिकल डोज है, ठीक है, लार्ज थेरापिटिकल डोज रहेगा, तब हम वहाँ पे मास्क से जो है नेबुलाइजर से जो है हम उसको जो है डिलीवर करेंगे, और इसमें हमारा एक्यूअस फेस रहेगा, उसमें डिस्पर्स करने के बाद जो है हम उसको देंगे, दिट इज़ नेबुलाइजर। फिर आता है स्किन स्प्रे, जैसे हम एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, मूव यूज़ करते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के स्प्रे आने लग गए, वो हम लोग जो है स्प्रे यूज़ करते हैं, लोकल इफेक्ट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, एक तो मेरा एनाल्जेसिक इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर एनेस्थेटिक इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई मुझे लोकल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल बता सकता है, ड्रग का नाम लोकल एनेस्थेटिक, बेंजोकेन, लिडोकेन, कोकेन, कोकीन, कोकीन को लोकल यूज़ करते हैं अपन लोग, ठीक है, अट्राक्यूरियम, हेलोथेन यूज़, ठीक है, बेंजोकेन, लिडोकेन, परफेक्ट, ठीक है। तो और फिर अगर मुझे एनाल्जेसिक जैसे वॉलन ही बोला किसी ने, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोकल यूज़ करते हैं। अब आ जाता है डेंटल स्प्रे के ऊपर। डेंटल स्प्रे अगर मैंने टूथ एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, वहाँ पे मुझे एनाल्जेसिक इफेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे जस्ट जो है स्प्रे मार के जो है मैं वहाँ पे एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकती हूँ, मतलब यहाँ पे भी मैं लोकल एक्शन की जो है बात कर रही हूँ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि वॉट इज़ एरोसोल, परफ्यूजन ऑर्गन, सीरीज, पार्टिकल साइज, टाइप्स, ठीक है, क्लियर है, आ जाओ सामने। अब फिर आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल। जैसे हमने देखा कि उसमें प्रोपेलेंट होना चाहिए, उसका कंटेनर होता है, एक्चुएटर होता है, वॉल्व होता है, तो ये सब चीज़ें क्या है। प्रोपेलेंट जो होता है उसको हम, जैसे पहले किसी ने मेंशन किया, इट इज़ अ हार्ट ऑफ एरोसोल, ठीक है, प्रोपेलेंट इज़ अ हार्ट ऑफ एरोसोल। हार्ट ऑफ एरोसोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा कंटेनर है वो किसके ऊपर वर्क कर रहा है, प्रेशर के ऊपर वर्क कर रहा है, जो भी कोई मैकेनिज्म जो है मुझे प्रेशर पे देखने को मिल रहा है। अभी ये प्रेशर कौन मेंटेन कर रहा है, तो ये मेरा प्रेशर कौन मेंटेन करेगा, प्रोपेलेंट। अगर ये प्रेशर ही नहीं रहता तो मैं एक्चुएशन कर रही हूँ, मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, फिर भी मुझे कोई रिलीज ड्रग का मुझे दिखता नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। जब मैं इसमें मतलब प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करेगा, और जब हम लोग एक्चुएट करते हैं तब मेरा जो प्रोडक्ट जो है उसको एक्सपेल आउट ये करेगा। तो जो ये हमारा मीटर डोज इनहेलर होता है वो जनरली गैशियस होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, बट ये इमीडिएटली लिक्विफाई करते हैं हम कब, जब उसको हम डिक्रीज टेम्परेचर, जब मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाया था कि गैस को हम लिक्विफाई कैसे करते हैं, एक तो हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे या तो फिर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्रेशराइज करके और टेम्परेचर कम करके हम उसको पर्टिकुलर एक कंटेनर में फिल करते हैं, और जब हम एक्चुएशन दबाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर रिलीज होता है, और जो भी कोई मेरा लिक्विड में बना था, मतलब लिक्विफाइड मेरा प्रोपेलेंट था, वो गैस में कन्वर्ट होता है, और उससे हमें जो है स्प्रे देखने को मिलते हैं, दिस इज प्रोपेलेंट का काम, ठीक है, प्रोपेलेंट इसको चलाता है। अभी तीन टाइप के प्रोपेलेंट होते हैं, लिक्विड गैस होता है, कॉम्प्रेस गैस होता है, और डायमिटाइल ईथर होता है, सामने देखेंगे हम कि कौन सा प्रोपेलेंट क्या है। फिर आता है कंटेनर, ठीक है, हमें ऐसा कंटेनर चाहिए, अब हम यहाँ पे प्रेशर की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा कंटेनर चाहिए होगा जो प्रेशर को बियर कर सके। अभी कितना प्रेशर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रेशर के ऊपर कितना प्रेशर, तो 140 to 180 PSIG, दैट इज़ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गॉज, और इसका टेम्परेचर कितना होगा, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको जो ये कंडीशन जो है याद करनी है कि मेरा कंटेनर इसका हो। अगर ग्लास कंटेनर है, ठीक है, ये मेटल के लिए था कि 140 to 180, मुझे कोई और प्रेशर का दूसरा कोई यूनिट बता सकता है, अनादर यूनिट फॉर प्रेशर पूछा गया है क्वेश्चन, ATM, दैट इज़ फॉर एटमोस्फेरिक प्रेशर, चलो ठीक है, MMHG,
MMHg फॉर प्रेशर, ओके, बार्स पास्कल, ठीक है ठीक है। तो मेटल के लिए हमारे लिए ये वाला कंडीशन रहेगी 140 टू 180 PSHg है। इसमें मेरा क्या कौन सा आता है, टीन प्लेटेड स्टील आता है, एल्यूमिनियम आता है, स्टेनलेस स्टील आता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी हम सामने देखेंगे कि टीन में क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, स्टेनलेस स्टील क्या है। फिर आता है ग्लास वाला। तो ग्लास में मेरा देखो प्रेशर वैरी कर रहा है। आपको जैसे पता है कि अगर मेटल का है उसमें हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे वो ब्रेक नहीं होने वाला है, मतलब सर्टन एक पर्टिकुलर ज़्यादा पॉइंट तक वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है। बट वहीं पे अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस जो मतलब ग्लास की अगर बात करूँ तो ग्लास जो है ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अगर उसको हम हाई टेम्परेचर भी दें तो भी ब्रेक हो जाती है, और हाई प्रेशर भी दें तो ऑब्वियसली ब्रेक होगी। तो यहाँ पे जो प्रेशर का कंडीशन है वो कहाँ तक रहता है, 25 PSIg, और यहाँ पे नॉट मोर देन 50% ऑफ प्रोपेलेंट हम लोग जो है यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्रोपेलेंट भी जो है वो प्रेशर को बनाए रखता है। अगर उसने प्रेशर को ज़्यादा कर दिया, ठीक है, जो हमने पहले प्रेशर लिया था, बट उससे थोड़ा प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो उससे मेरा ग्लास जो है ब्रेक हो सकता है। तो ये जो कंडीशन आपको है याद करनी है, मेटल वाली भी याद करनी है और ग्लास वाली भी याद करनी है, ठीक है। ग्लास हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक अनकोटेड ग्लास, मतलब सिंपल जो ग्लास का कंटेनर रहेगा वो, जैसे इसके जैसा, दिस इज सिंपल ग्लास का कंटेनर। और इसके बाद रहता है प्लास्टिक कोटेड ग्लास, जिसके मतलब हमारा ग्लास रहेगा और उसके ऊपर से उसके ऊपर प्लास्टिक का कोट रहेगा, दैट इज़ प्लास्टिक कोटेड कंटेनर। फिर आता है एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या करता है, एक्चुएटर हेल्प्स इन डिलीवरिंग द ड्रग इन द मतलब डिजायर्ड फॉर्म। अगर ये देखो ये स्प्रे देता है, ये वाला जो है इट गिव स्प्रे, ठीक है, स्प्रे दिखता है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। कुछ कुछ आते हैं फोम वाले, जैसे लड़कों को पता होगा, लड़के शेविंग वगैरह करते होंगे तो फोम वाले कंटेनर्स आते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो वाला फोम एक्चुएटर हो गया, जिसके डायमीटर कितनी होती है, 0.070 to 0.125 इंच। मतलब एक्चुएटर सिंपली मीन्स कि मुझे अगर फोम टाइप में चाहिए तो उसको फोम में कन्वर्ट करके देगा, अगर मुझे स्प्रे टाइप में चाहिए तो स्प्रे टाइप में कन्वर्ट करके देगा, अगर ऑइंटमेंट है तो वो ऑइंटमेंट वाओ का फेस वॉश फोम का, हाँ वाओ नाम का एक प्रोडक्ट है जो जनरली कॉस्मेटिक्स में डील करता है, वो भी अभी जो फेस वॉश है वो फोम टाइप में देने लग गया है। मतलब डायरेक्ट हमें उसको खोलना है और उसको ऐसे उसमें एक लीड भी दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग फेस को डायरेक्ट टैप करके जो है यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फोम एक्चुएशन, मतलब फोम मुझे क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। देन आता है सॉलिड स्टीम एक्चुएटर, जहाँ पे मैं ऑइंटमेंट के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब थोड़े ज़्यादा बड़े पार्टिकल सॉलिड टाइप का पार्टिकल मुझे देखने को मिलेगा। देन स्पेशल एक्चुएटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मार्केट में एक्चुएटर देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है वॉल। वॉल क्या होता है, कैपेबल ऑफ द डिलीवरिंग द कंटेनर इट डिजायर्ड फॉर्म, जैसे स्प्रे सॉलिड फ्रेम। जैसे ये देखो जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, दिस इज एक्चुएटर ऊपर वाला, ठीक है, इसके अंदर से जो भी कोई डिजायर्ड निकाल रहा है, जैसे अगर मिटर्ड वॉल है कितने अमाउंट का निकलेगा वो कौन डिसाइड करेगा, वॉल डिसाइड करेगा। मतलब आपको अगर ये होल दिख रहा हो तो, ठीक है, ये होल जो है ये मेरा वॉल का काम करता है, ये जो मैं स्प्रे कर रही हूँ जिसको दबा रही हूँ, दैट्स इज एक्चुएटर। तो ये जो है एक तो मेरा स्प्रे का पैटर्न डिसाइड करेगा, अगर मुझे कंटिन्यू स्प्रे चाहिए तो मैं इसको कंटिन्यू स्प्रे करूँगी, या फिर उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर डोजेस वहाँ पे डिफाइनाइट नहीं रहेगा, ठीक है, वो होगा मेरा कंटिन्यू स्प्रे वैल्यू वॉल। फिर आता है मेरा मीटरिंग वॉल। इसमें क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि मुझे पर्टिकुलर पोटेंट ड्रग चाहिए, उसका ना मुझे कम चाहिए ना उसका मुझे कम ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर मीटर लगा देंगे। तो मुझे पता है कि अगर मुझे 2 माइक्रोग्राम का ड्रग चाहिए, ठीक है, नॉट माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम का अगर ड्रग चाहिए तो मुझे सिर्फ उतना ही डिलीवर हो गया, उससे ज़्यादा मुझे जो है डिलीवर नहीं होगा। दिस इज़ फॉर द मीटरिंग वॉल, ठीक है, पोटेंट ड्रग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इफ़ मेरा 64 माइक्रोमीटर और लेस रहेगा, अगर मेरा ये पूरा कंटेनर का स्पेस 54 माइक्रोलीटर से कम है तो इसका लिमिट हम कब तक परमिट कर सकते हैं, प्लस माइनस 15% तक। अगर मेरा इसका जो वॉल्यूम है
वो मेरा 55 to 200 माइक्रोलीटर तक है, तो इसकी लिमिट क्या हो सकती है, प्लस माइनस 10%। तो ये जो कंडीशन है आपको याद रखनी है वॉल्व में, ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया किसका क्या काम है इसके ऊपर, ये कंडीशन के ऊपर, ठीक है, पार्टिकल साइज के ऊपर और ये परफ्यूजन ऑर्गन के ऊपर, बस इतना ही बनेगा। अब आ जाओ सामने, थेरापेटिकल एजेंट। थेरापेटिकल एजेंट हमें पता है, जैसे हमने ड्रग की बात की अस्थमा और COPD में, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रोपेलेंट में मिक्स कर देंगे। वो प्रोपेलेंट को मिक्स करने के बाद हम उसको जो यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ थेरापेटिकल एजेंट। मतलब API की बात कर रहे हैं हम लोग, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी से और जो डिस्पर्स पार्टिकल बाकी सब प्रॉपर्टी से जो ये अफेक्ट कर सकता है। जैसे हमने बोला कि पार्टिकल साइज बहुत कम हो गया, तो हमारी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमें देखने को नहीं मिलेगी, दैट इज़ थेरापेटिकल एजेंट। और जब प्रोपेलेंट के थोड़ा डिटेल में, प्रोपेलेंट सबसे पहले हार्ट ऑफ एरोसोल, ठीक है, प्रेशर मेंटेन रखता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस करे थे कि तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है लिक्विफाइड गैस, फिर होता है कॉम्प्रेस गैस प्रोपेलेंट, और फिर होता है हमारा डाई मिथाइल ईथर। लिक्विफाइड गैस में हमारे पास दो टाइप के आते हैं, फर्स्ट इज ओरल और इन्हेलेशन, ठीक है। एक तो हम ओरल ले सकते हैं या फिर इन्हेलेशन ले सकते हैं, डायरेक्ट बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मेरा फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आता है, ठीक है, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका एग्जांपल क्या है, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। मतलब पर्टिकुलर मेरा मीथेन या इथेन रहेगा, उसके ऊपर क्लोरीन फ्लोरीन ये सब ऐड रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझ रहे हैं ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन को कहीं पे फ्लोरीन लग रहा है, कहीं पे क्लोरीन लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे मेरा ट्राइक्लोरो फ्लोरो मोनोमीथेन रहेगा, ये मेरा प्रोपेलेंट 11 है। फिर आता है डाईक्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन, फिर ये मेरा प्रोपेलेंट 12 है। तो इसका एक नॉमिनक्लेचर होता है, तो हम सामने देखते हैं कि इसको हम नॉमिनक्लेचर किस हिसाब से देते हैं। फिर मेरे पास आता है ट्रॉपिकल, मतलब उसको डायरेक्ट बॉडी में इंसर्ट नहीं करेंगे हम लोग, वो भी क्यों नहीं करेंगे, उसका भी डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ मेरे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लोरीन नहीं लगा है, कोई क्लोरीन नहीं लगा है, यहाँ पे मेरा प्रोपेन और मेरा ब्यूटेन है, सिंपल सिंपल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। फिर आता है कॉम्प्रेस ग्रास प्रोपेलेंट। कॉम्प्रेस गैस में दो टाइप की आएगी, एक सोल्यूबल गैस, कॉम्प्रेस गैस सोल्यूबल, जिसमें मेरा कार्बन डाइऑक्साइड आता है। फिर मेरा आता है नॉन सोल्यूबल कॉम्प्रेस गैस, जहाँ पे मेरी सोल्युबिलिटी मुझे देखने को नहीं मिलती, ये मेरा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और कॉम्प्रेस्ड एयर होती है, ठीक है। फिर थर्ड कैटेगरी है मेरी डाई मिथाइल ईथर, इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। अब डिफरेंस बिटवीन देखो हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोरो फ्लोरो कार्बन प्रोपेलेंट का। हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये मेरे कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो याद कर लो। जहाँ से भी कहीं से भी आपको कोयला मिलता है या चिपचिपा काला पदार्थ मिलता है, तो ये हमें मेनली कहाँ से मिलता है, मतलब कार्बन मिलता है, ठीक है, बेसिकली आपको कार्बन मिल रहा है कहीं से विथ हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, जो हमें जनरली पेट्रोलियम इंडस्ट्री से मिलता है। फ्लोरिनेटेड कार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन झारखंड में मिलता है क्या, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे मेरा कार्बन रहेगा, क्लोराइड रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, ये मेरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए। अब डिफरेंस ये है कि इसको हम डायरेक्ट बॉडी में इंसर्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये फ्लेमेबल है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन आर फ्लेमेबल। फ्लोरोक्लोरोकार्बन मेरा नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है, ये मेरा इकोनॉमिकल होता है, ये मेरा एक्सपेंसिव होता है फ्लोरोक्लोरोकार्बन, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी मतलब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ये मेरा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है, एनवायरमेंट को कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई टॉक्सिसिटी, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता हाइड्रोकार्बन। बट ये जो मेरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मेरे ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। डिसएडवांटेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन का डिसएडवांटेज है कि ओजोन को डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर ये मेरा हाइड्रोकार्बन्स जनरली तो नॉन टॉक्सिक होता है, बट ये जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मेरे CVS को या फिर CNS को जो है टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो ये इन्फ्लाम में मतलब सब तो अच्छा है इसमें, सिर्फ एक गलती के वजह से कि ये फ्लेमेबल है, इसलिए हम इसको सिर्फ ट्रॉपिकल यूज़ करते हैं, और ये जो है ये मेरा फ्लेमेबल नहीं है, मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट बॉडी में जो इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ओरल या फिर इनहेलेशन रूट से जो है हम लेते हैं। सब आपको इसका जो डिफरेंस है बस इतना याद रखो कि ये फ्लेमेबल है, ये इनफ्लेमेबल है, ये मेरा इको
इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और ये मेरा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये मेरा ओजोन को जो है डिस्ट्रॉय करता है। दिस इज़ अबाउट दी हाइड्रोकार्बन्स एंड फ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से CO2 निकलते शायद, CO2 देखो, CO2 को हम डेंजरस नहीं बोलते। डेंजरस हम कब बोलेंगे, जब मेरा पूरा इन्वायरमेंट CO2 से भर गया है। जैसे नॉर्मली हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 को दे रहे हैं, प्लांट यूज़ कर लेते हैं CO2 खुद का ऑक्सीजन बनाने के लिए, तो CO2 इज़ नॉट दैट हार्मफुल, ठीक है। बट अगर मेरी ओजोन लेयर डिप्लेक्ट हो गई, मतलब मेरी सन की रेज डायरेक्ट मेरे अर्थ पे आ रही है, तो ओजोन ये जब ब्रेक होगा उसके वजह से जो है मेरे पास कैंसर होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑन्कोजेनिक प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, म्यूटेशन हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। मैम CFC तो बैन है इंडिया में शायद, CFC इज़ नॉट बैन, ठीक है, बैन करने के कगार पे है, क्योंकि जो फ्रिज है हमारे फ्रिज में भी यही प्रेजेंट होता है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट जो रहता है ना, कूलेंट यही होता है CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो इसके वजह से ओजोन का डिप्लेक्शन हम बोलते हैं ना, ज़्यादा देर तक हमें फ्रीज या फिर AC, फ्रिज या AC को हम लोग ज़्यादा देर तक ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ओजोन को डिप्लीट करता है। बट ये फ्रीज और AC तक हम लोग एक बार का बियर कर सकते हैं कि हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, कुछ अल्टरनेट वेज लाएंगे। बट अगर एरोसोल की बात आ गई, किसी के हेल्थ की बात आ गई, तो वहाँ पे जो है हमें थोड़े अमाउंट में जो है यूज़ करना ही पड़ता है। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखो, यस मैम अर्लियर इट वॉज कमिंग, या फिर आता है CFC। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 3 डिजिट का सिस्टम है, ठीक है, 3 डिजिट का। पहला डिजिट क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ट्राईक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन, ठीक है। कार्बन कितना दिख रहा है मुझे, सिर्फ ये मीथेन में मुझे कार्बन देखने को मिल रहा है, मतलब कार्बन का नंबर कितना है, 1, ठीक है। पहले रूप ट्रिक CH4, यस, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड F फॉर फ्लोराइड, तो ये मेरा ट्रिक सही है, ये याद कर लो, ट्रिक इज CH4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कार्बन रहेगा उसमें से -1 करेंगे, सेकेंड मेरा जो हाइड्रोजन आइटम रहेगा वहाँ पे +1 करेंगे, और जो मेरा थर्ड डिजिट रहेगा, जो एज इट इज़ मेरे पास फ्लोरीन के नंबर प्रेजेंट है, बस मुझे वो नंबर लिख देना है। तो इससे हम लोग नॉमेनक्लेचर जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ट्राईक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन, अभी यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, तो 1 - 1 = 0, ठीक है। फिर हमने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से +1 करना है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे, अपूर्वा मैम ने आपको सिखाया होगा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मीथेन है, मतलब उसके ऊपर कितना, 4 वैलेंसी है, तो 4 वैलेंसी है, तो यहाँ पे ट्राईक्लोरो है, 3 तो क्लोरीन ने ले ली, 1 फ्लोरीन ने ले ली, तो एक भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन इज 0, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे मेरा नंबर कितना आया, 0 1 आ गया। फिर हमने बोला कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लोरीन लेना है, यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, मोनोफ्लोरो बोला है, मतलब 1 फ्लोरीन है, तो हमने 1 फ्लोरीन को एज इट इज़ लिख दिया, तो हमारा कितना नंबर आया लास्ट में, 0 1 1, ठीक है, क्लियर है क्या, ये कार्बन +1, हाइड्रोजन -1 एंड नंबर ऑफ फ्लोरीन, सही है क्या, ठीक है। अब देखो ये टेबल, आपको ये टेबल प्रैक्टिस करना है, ये नोट्स अपलोड हो जाएगी आज, ठीक है। आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं, आंसर भी दिया हुआ है, डू वन थिंग, सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सबका, जहाँ पे मीथेन है इथेन है सब लगा के रखना, और ड्रॉ करने के बाद उसका देखना कि आप नॉमेनक्लेचर कैसे निकाल रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है नॉमे, अभी सबका तो आप बैठ के याद नहीं करोगे, तो ये याद कर लो कि कैसे निकालते हैं, उस हिसाब से आपका आंसर जो है निकल जाएगा। अभी हमने इतनी प्रेशर की बात की प्रोपेलेंट में, कि प्रेशर मेंटेन करता है, तो पार्शियल प्रेशर की बात आ जाती है, तो हमारे पास 2 लॉ आती है जो हमने फिजिकल फार्मेसी में पढ़ी है, दैट इज़ डाल्टन लॉ एंड द रॉल्स लॉ। सिंपल, ज़्यादा डीप में जाके नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम फिजिकल फार्मेसी में बहुत अच्छा टाइम दे चुके हैं, हर चीज़ को हमने अच्छे से समझा है। डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि टोटल मेरा जो प्रेशर होता है इक्वल टू किसका सम होगा, जो भी मेरे पार्शियल प्रेशर रहेगा उसका सम रहेगा, ये बोलते हैं डाल्टन लॉ, ठीक है। फिर रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि जो मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा वो इक्वल टू क्या रहेगा, मेरा वेपर प्रेशर एंड दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सोल्यूशन, जो भी मेरा कोई मोल फ्रैक्शन रहेगा और वेपर प्रेशर रहेगा, इसका जब मैं इंटू करती हूँ तब मुझे वहाँ पे पार्शियल प्रेशर देखने को मिलता है। ये किसने दिया था, रॉल्स लॉ ने, डायरेक्ट
स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछते हैं, जो फिजिकल फार्मेसी में हमने अच्छे से कर लिया। किसी को अगर याद नहीं आ रहा होगा तो जाके एक बार रिवीजन जो है फिजिकल फार्मेसी का कर लेना एक दिन में, ठीक है। फिर आता है डाल्टन्स लॉ, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू जो मेरा पार्शल प्रेशर है उसका सम, दैट्स इट। ये क्लियर है क्या? यहाँ पे हमारा जो प्रोपेलेंट है ख़त्म हो गया, क्लियर रहो। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, प्रोपेलेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। रॉल्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर बोलता है ना, रॉल्स उल्टा लिखा है क्या? मैंने उल्टा लिखा है क्या? बोलो, कोई नहीं बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है। कितना पढ़ रहे हो तुम लोग? फिजिकल फार्मेसी में हमने इतना टाइम दिया, जानबूझ के दिया, क्योंकि फिजिकल फार्मेसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी दोनों बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है, जाके देखना। मैं भी नहीं बोल रही कि मैंने सही लिखा है, ये मैं ये भी नहीं बोल रही कि मैंने गलत लिखा है, जाके देखना, ठीक है। अब आ जाओ वॉल्स के ऊपर। वॉल में हमने यही बोला कि डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ जो है वो इजेक्ट आउट करता है, ठीक है। अगर मुझे स्प्रे में चाहिए तो स्प्रे में करेगा, फोम फॉर्म में चाहिए तो फोम में करेगा, सॉलिड स्टेम में चाहिए तो सॉलिड स्टेम में जो है मेरा वॉल जो है उसको एक्सपेल करेगा। यहाँ पे दो टाइप के वॉल्स आते हैं, एक कंटिन्यू स्प्रे वॉल और यहाँ एक आता है मीटरिंग वॉल। कंटिन्यू स्प्रे वॉल का मतलब ये है कि यहाँ पे भी कोई भी स्पेसिफाइड डोजेस फॉर्म नहीं रहेगा, जैसे इसमें कोई स्पेसिफाइड डोजेस नहीं है, जितना लगाना है परफ्यूम लगा लो, ठीक है, दैट इज़ कंटिन्यू स्प्रे वॉल। और मीटर वॉल में क्या होगा, अगर मुझे अस्थमा COPD है तो जो मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ अगर बहुत पोटेंट ड्रग है तो मुझे सिर्फ जितना अमाउंट चाहिए होगा उतना ही मुझे जो है मीटरिंग वॉल से जो है मिलेगा, ठीक है। डिस्पेंसिंग ऑफ पोटेंट मेडिकेशन सही है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ चेंबर हुज साइज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन डिस्पेंस। देखो गरबा खेलते खेलते लाइट गई है लोगों की, लाइट गई भाई, गरबा कब कैसे खेलेंगे। एनीवेज हम तो नहीं गए गरबा खेलने, अपने को क्या शुरू होने का है। वैसे देखो भूत लोग आ रहे हैं, यू आर लुकिंग गुड। एनीवेज कम टू दी पॉइंट, ठीक है। मीटरिंग वॉल जितना अमाउंट चाहिए उतना डिस्पेंस करना है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया, अगर अप्रोक्सीमेटली मेरा वहाँ पे ड्रग का अमाउंट 50 to 150 mg है तो वहाँ पे मेरा प्लस माइनस परसेंट, ठीक है, उतना हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रख सकते हैं ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, अमाउंट पे। ये कंडीशन याद कर लो कि अगर मेरा 50 to 150 mg है तो प्लस माइनस 10% का हम लोग जो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रख सकते हैं। फिर आता है कंटिन्यूस स्प्रे वॉल। कंटिन्यूस स्प्रे वॉल में टॉपिकल एरोसोल्स, जैसे हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ करते हैं, मूव यूज़ करते हैं, वॉलिन यूज़ करते हैं। जल्दी ख़त्म कर दो आप भी जाओ, इतना मेरे को भगा रहे हो यार तुम लोग। जल्दी ख़त्म करना इज़ नॉट द थिंग, तुमको समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक है। फेस दिख रहा है क्या मेरा बराबर? चलो ठीक है, आ जाओ। अभी वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसको ये बोलते हैं उसको वो बोलते हैं। अभी मैं एकदम खोल के तो आपको ये दिखा नहीं सकती हूँ। ये जो मेरा पूरा यहाँ से लेकर ये डीप ट्यूब तक जो भी आपको पार्ट दिख रहा है दैट इज़ वॉल्व, मतलब ये तो एक्चुएटर हो गया, और उसके अंदर से जो भी कोई सिस्टम है दैट इज़ वॉल्व। तो ये जो ऊपर का कैप है इसको हम क्या बोलते हैं, फेरूले, ठीक है, फेरूले, या जो भी कुछ प्रोनाउंस करना है कर सकते हो, इसको बोलते हैं माउंटिंग कैप, ठीक है। ये अटैच करता है किसको, वॉल्व टू द कंटेनर, वॉल से कंटेनर को अटैच करने का काम कौन करता है, फेरूले या फिर माउंटिंग कैप। आपको इसमें से क्या याद रखना है कि किस मटेरियल से बना हुआ है और उसका काम क्या है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन किससे किसको अटैच करेगा, किसका काम क्या है और कौन किस मटेरियल से बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो फेरूले इज मेड अप ऑफ द टीन प्लेटेड स्टील
एल्युमिनियम एंड ब्रास, और यहाँ पे जो वॉल्व कंटेन इसका काम क्या है, वॉल्व को कंटेनर से कनेक्ट करने का, ठीक है। और ये जो है इसका वॉल का कप जो है वो कोटेड होता है, सिंगल या फिर डबल कोटेड, किससे, इपॉक्सी और दी विनाइल रेजिन से जो है ये कोटेड होता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हाउसिंग और दी वॉल बॉडी, ये दिख रहा है आपको इसके नीचे का, ये दिस इज हाउसिंग और दी वॉल बॉडी। ये किससे बना हो सकता है, नायलॉन से या फिर डेलरिन से। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा, जब हम इसको खोलते हैं ना तब आपको ये चीज़ दिखेगी। अब मैं तो आपका कंटेनर ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तो ये बना होता है नायलॉन और डेलरिन से, और इसके में क्या होता है, ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिप ट्यूब। जैसे यहाँ से दिख रहा होगा आपको, इसके नीचे से मेरा डिप ट्यूब जो है शुरू हो रहा है, ठीक है, इसके नीचे से डिप ट्यूब जो है शुरू हो रहा है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस अ फाइन मिस्ट एंड प्रिवेंट्स द वैल्यू ऑफ चोकिंग। मतलब यहाँ पे जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको अच्छे से वो क्या करेगा, एक्सपेल करेगा, और जो जो बड़े बड़े पार्टिकल है जो कोट मतलब चोकिंग कर सकते, चोकिंग का मतलब समझता है ना, कि रोक देंगे पार्टिकल्स को, रोक देंगे, सामने नहीं जाने देंगे, ये कौन प्रिवेंट करेगा, मेरा हाउसिंग और दी वॉल बॉडी। फिर मेरी आ जाती है स्टेम, स्टेम मेरी किससे बनी होती है, नायलॉन और डर्लिन से, ब्रास से हो सकती है, स्टेनलेस स्टील से हो सकती है। ये क्या करेगी, वॉल को एक्चुएटर से कनेक्ट करती है, वॉल को एक्चुएटर से कनेक्ट करती है, दैट इज स्टेम, ठीक है। फिर आता है गैस्केट, ये पूछा गया है किसका बना होता है गैस्केट, गैस्केट बना होता है बुना एन का एंड नियोप्रिन रबर का, ठीक है। ये अंदर प्रेजेंट होता है, जो भी आपको इतना सिस्टम देखने को मिल रहा है, ये जो सिस्टम देखने को मिल रहा है इसके अंदर में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गैस्केट में हमारा बूना एन से या नियोप्रिन रबर से बना होता है। ये क्या करता है, सील क्रिएट करता है बिटवीन दी वॉल्व एंड दी कंटेनर, ठीक है, वॉल्व एंड कंटेनर के बीच में सील क्रिएट करता है। अगर आपके घर में बचा होगा वॉलिनी स्प्रे, कोई भी स्प्रे बचा होगा, तो उसको ना फोड़ के देखना, मतलब ख़त्म हो गया होगा तो, नहीं तो आपकी मम्मी मारेगी आपको। तो अगर ख़त्म हो गया तो फिर आपको ये सब चीज़ें जो है अच्छे से देख के विजुअलाइज करके समझ में आ सकती है। फिर आएगा स्प्रिंग, जिसमें हम जब एक्चुएशन करते हैं तो जो एक स्प्रिंग वाला हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, वो मेरा किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है। और ये क्या करता है, जो गैस्केट होता है उसको एक प्लेस में जो है होल्ड करके रखता है, दैट इज़ वर्क ऑफ स्प्रिंग। फिर आ गया डिप ट्यूब, जो आपको ये दिख ही रहा होगा, डिप ट्यूब किसका बना होता है, पॉलीइथिलीन का बना होता है, ठीक है, पॉलीथीन, और मेरा बना होता है पोपाइल प्रोपाइलीन, पॉली प्रोपाइलीन। इसका इनर डायमीटर कितना होगा, इनर डायमीटर 0.120 to 0.125 inches, और इसका जो कैपिलरी ऑफ ड्यूब ट्यूब का उसका इनर इनर कॉर्नर जो रहता है उसका कितना रहेगा, 0.050 inches। एक्चुअली पूछा तो नहीं जाएगा, तो मैंने इम्फोसाइज भी नहीं करना चाहिए इस पॉइंट पे, तो ये चीज़ आपको नहीं पूछी जाएगी कि इतना एकदम डिटेल में जाके पॉइंट पॉइंट में। बस आपको यहाँ पे मैंने जो बोला, मटेरियल याद रखो और किसका क्या काम है ये याद रखो, ये क्वेश्चन बना है और पूछेंगे भी आगे। अब आ जाओ कंटेनर्स पे, कंटेनर देखो, टीन प्लेटेड कंटेनर, एल्युमिनियम कंटेनर, स्टेनलेस स्टील कंटेनर होते हैं। प्रेशर बताओ मुझे, डिस्कस किया था हमने मेटल वाले जो कंटेनर है कितना प्रेशर बियर कर सकते हैं, बताओ फटाफट, गर्मी हो रही है यार बहुत। 142 142 180, सही है। और ग्लास वाला 25 PSHG है, ग्लास वाला, हाँ। टेम्परेचर भी बताया नंदिनी ने, 130 फ़ारेनहाइट, सही है, चलो ठीक है। टीन प्लेटेड कंटेनर का एडवांटेज ये है कि ये मेरा प्रोडक्ट कंटेनर, प्रोडक्ट और कंटेनर के बीच में जो भी कोई इंटरेक्शन होगा उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। हमने ये जो तीनों मेटल्स है ना इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि जो ये है, एक तो फिजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होने देता, और जो भी कोई ड्रग और कंटेनर के बीच में जो होने वाला था, हाँ मेटल का है, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही है, मेटल का है, ठीक है, इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये तीन मेटल चूज़ किए। तो टीन प्लेटेड में भी ये जो प्रोडक्ट और कंटेनर का इंटरेक्शन है उसको कम करता है। फिर एल्युमिनियम कंटेनर आ गया, इसकी कोई मतलब जो केमिकल स्टेबिलिटी जो होती है उसको आने नहीं देगा, मतलब केमिकल इंस्टेबिलिटी कॉज नहीं करेगा, और इसकी जो करोजन है मतलब जो जंग लग जाती है मेटल में, वो मुझे एल्युमिनियम मुझे देखने को नहीं मिलेगा।
फिर आता है स्टेनलेस स्टील कंटेनर, जहाँ पे मैं इन्हेलेशन एरोसोल जो यूज़ करती हूँ उसके लिए बेसिकली हम स्टेनलेस स्टील कंटेनर को जो है यूज़ करते हैं। फिर आता है ग्लास, ग्लास में मेरा कोट अनकोटेड ग्लास, कोटेड ग्लास जो हम मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अभी ग्लास है, ग्लास में कभी आपने जंग लगी हुई देखी है? ग्लास में कभी जंग लगता है क्या? यस नो, ग्लास में कभी जंग लगता है? नहीं लगता ना। तो ये जो मेरा जो भी कोई करोजन वाला पार्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने ग्लास के भी जो है कंटेनर बना लिए। अब आ जाओ टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम। एरोसोल्स में भी सिस्टम होते हैं, जैसे कोई सॉल्यूशन सिस्टम जैसे लिखा है, पहला इज सॉल्यूशन सिस्टम, देन इज वाटर बेस्ड सिस्टम, एंड थर्ड इज सस्पेंशन और डिस्पेंशन सिस्टम, एंड फोर्थ इज फोम सिस्टम। ठीक है, सॉल्यूशन सिस्टम में जैसे ये आपको परफ्यूम में दिख रहा है सॉल्यूशन है सिंपल सा, ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन सिस्टम है। दो फेज का होता है, प्रोपेलेंट रहेगा और एपीआई रहेगा, ठीक है, सिर्फ प्रोपेलेंट और एपीआई। कभी कभी को सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल, मे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। इसमें कौन सा प्रोपेलेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? प्रोपेलेंट 12 एंड A70। कोई मुझे बता सकता है A70 कौन सा प्रोपेलेंट है? क्योंकि जब हमने नॉमेनक्लेचर की बात की थी कब, तब मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि हाइड्रोकार्बन्स का कैसे होता है मैम, नहीं पूछा किसी ने, किसी को जानना ही नहीं है। A70 किसका नाम है, कौन से प्रोपेलेंट का है? प्रोपेन, ये आपके लिए टास्क है। हमने दो के कौन प्रोपेन एंड ब्यूटेन डिस्कस किया प्रोपेलेंट में, तो उसका नाम क्या है वो आप खुद पता कर लेना, क्योंकि पूछा नहीं आप लोगों ने तब। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, विच प्रोड्यूसेस द वेरी फाइन पार्टिकल्स। सॉल्यूशन सिस्टम है, सिर्फ प्रोपेलेंट है, एपीआई है, डायरेक्ट सॉल्यूशन को हमें लेना है एरोसोल के फॉर्म में, तो हमने प्रोपेलेंट 12 यूज़ कर लिया और ए 70 जो है यूज़ कर लिया हमने, क्योंकि वो जो है फाइन पार्टिकल जो है प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ वाटर बेस्ड सिस्टम, तीन फेज हो गया अभी, क्योंकि वाटर एक्स्ट्रा फेज ऐड हो गया, मतलब प्रोपेलेंट रहेगा, एपीआई रहेगा एंड वाटर फेज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा फाइन स्प्रे बनता है, मतलब दो टाइप के स्प्रे है, एक फाइन स्प्रे एंड कोर्स वेट स्प्रे। फाइन स्प्रे में क्या होता है, सिक्स पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट रहता है एंड वन पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट, याद कर लो। फाइन स्प्रे में सिक्स पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड वन पार्ट ऑफ प्रोपेलेंट, कोर्स वेट स्प्रे में 30 पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड वन पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट। देखो यहाँ से आपको यही समझ में आ रहा होगा कि फाइन ड्राई स्प्रे है मतलब 6 पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट है, वन पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट है, मतलब आपको बहुत छोटे पार्टिकल्स मिल सकते हैं। कोर्स में क्या हो रहा है, 30 पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है प्रोपेलेंट कम है, तो यहाँ पे जो मुझे पार्टिकल साइज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कोर्स में मिलेगा, कोरस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के हैं, फाइन और कोरस, ये आपको याद जो है याद करना है, कोर्स एंड फाइन। फिर आ जाओ सस्पेंशन और डिस्पेंशन सिस्टम, ये डिफिकल्ट फॉर्मुलेट है, बताओ मुझे कोई बता सकता है व्हाई सस्पेंशन इज डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट फॉर द एरोसोल, एनी आइडिया लॉजिकली करो फटाफट आंसर, लॉजिकली बताओ कि क्यों डिफिकल्ट हो सकता है इसको फॉर्मुलेट करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम को। दे में सेडिमेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है, सेडिमेंटेशन शो कर सकते हैं, ठीक है, हार्ट केक बना सकते हैं, या फिर इनका पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि वो मेरे जो पार्टिकल साइज की बात की थी हमने, ट्रकिया में रह जाता है या फिर ब्रोंकियस तक रह जाता है, वही तक रहेगा। ये सब चीज़ें को देखकर ये हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं। और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो मेरा लेस दैन 300 PPM जो है होनी चाहिए। तो हम सस्पेंशन और इमल्शन जब पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीज़ें जो है अच्छे से थोड़ा समझ में आएगी। फिर आता है फोम सिस्टम, फोम सिस्टम में मेरा एक्वस स्टेबल फोम होता है, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, टॉक्सिसिटी नहीं बोल सकते पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो वो मेरे लंग्स में जो है सेडिमेंट हो सकता है, ठीक है, या अटक सकता है बोल सकते हैं हम लोग। एक तो वो खुद के फॉर्मुलेशन में भी फ्लॉक्युलेशन शो करेगा या तो फिर सेडिमेंटेशन शो करेगा, और सेकेंड जब मैं उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही हूँ, ठीक है, हमने फॉर्मुलेशन भी बना लिया पर एडमिनिस्ट्रेट जब कर रही हूँ तो पार्टिकल साइज मुझे बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है, उसके वजह से मेरे जो लंग्स में है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, अक्यूमुलेट हो सकते हैं पार्टिकल्स, बिल्कुल सही है शालिनी, ठीक है। तो अब आ जाओ फोम सिस्टम के ऊपर,
एक्वेस्टेबल फोम होता है, नॉन एक्वेस्टेबल फोम होता है, क्विक ब्रेकिंग फोम होता है, थर्मल फोम होता है। अभी एक एक करके देखते हैं, ठीक है। जो मेरा फोम सिस्टम होता है क्या कंसिस्ट करता है, एक तो एपीआई रहेगा, एक्वस व्हीकल रहेगा, मेरा क्या रहेगा सर्फैक्टेंट्स रहेगा, प्रोपेलेंट रहेगा, और क्विक एक्शन और दी क्विक ब्रेकिंग फोम या प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसमें स्पेशली क्या ज़्यादा है, तो सर्फैक्टेंट ज़्यादा है, और सर्फैक्टेंट की वजह से जो है मुझे फोम जैसा एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। अब आ जाओ फोम सिस्टम, जैसा एक्वस स्टेबल फोम बोला हमने, टू प्र ये क्या करता है स्टेबल फॉर्म क्रिएट करेगा, लिखा है एक्वस स्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म। प्रोपेलेंट कॉन्सेंट्रेशन इज 5%, ठीक है, 5% का प्रोपेलेंट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अगर लोअर प्रोपेलेंट कंटेनर रहेगा तो प्रोड्यूसेस द वेटियर फॉर्म, अगर ज़्यादा प्रोपेलेंट रहेगा तो मुझे गीला गीला ज़्यादा फॉर्म जो है देखने को मिलेगा। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोपेलेंट जैसे A70 और फिर A46 आर इंक्रीजेस, द शिफ्टर एंड ड्रायर फॉर्म इज प्रोड्यूस। मतलब जैसे जैसे प्रोपेलेंट, कौन से प्रोपेलेंट का कॉन्सेंट्रेशन, A70 और A46 का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, वहाँ पे मुझे स्टिफियर एंड ड्रायर फॉर्म मुझे वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक्वेस वाला, वहाँ पे मुझे क्या वेटर फॉर्म मिलेगा। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ A70 और A46, तो वहाँ पे मुझे ड्रायर फॉर्म जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाओ नॉन एक्वेस्टेबल फॉर्म के ऊपर, ये इसको प्रिपेयर करते हैं हम ग्लाइकोल से, वाटर यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी एक्वस चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, ग्लाइकोल्स यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, मतलब पेग जो है PEG, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है क्विक ब्रेकिंग फोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोपेलेंट जो होता है मेरी एक्सटर्नल फेज होती है, याद कर लो, क्विक ब्रेकिंग फोम में प्रोपेलेंट जो होता है एक्सटर्नल फेज होती है, और जो प्रोडक्ट होता है वो मेरे फोम जैसा इमिट होता है, एंड विच देन कोलैप्स इनटू द लिक्विड। फोम फोम में निकलेगा और फिर वो फोम फोम एक दूसरे में मिक्स होके जो है लिक्विड का मुझे चीज़ देखने को मिलेगा। इसको हम जनरली टॉपिकल मेडिकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मूव या वोलनी की बात कर लो, कभी कभी जब स्प्रे करते हैं तब हमें वहाँ पे फोम देखने को मिलता है। जैसे हमने स्प्रे किया ना, तब थोड़ा थोड़ा फोम देखने को मिलता है, पर वो फोम थोड़ी देर में गायब हो जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं, क्विक ब्रेकिंग फोम, ठीक है। याद है किसी ने यूज़ किया है कभी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखो, यूज़ किया है बोलो फटाफट, नहीं किया है छोड़ो जाने दो, स्नो स्प्रे नो करके देखना कभी। मैं ये नहीं चाहती कि आपका कुछ लगे आपको फिर आप यूज़ करो, बट स्टिल ठीक है। एक आता है थर्मल फोम, लड़कों को पता होगा ये शेविंग फोम्स जो आती है वो थोड़ा सा वार्म होती है, थोड़ी गर्म होती है, बट ये अभी करंटली यूज़ नहीं करते हैं इसको, आई डोंट नो रीज़न क्या है, बट किसी ने अगर यूज़ किया हो तो उसको पता होगा। थर्मल फोम मतलब लगाने के बाद थोड़ा सा जो है वार्म फील जो होता है हमें, ठीक है। ये मेरे हो गए फोम वाले, फोम सिस्टम। फिर आ जाओ फीलिंग ऑपरेशन, देखो इसमें आपको बड़ी बड़ी पूरी प्रोसेस मिलेगी, कोल्ड फीलिंग, प्रेशर फीलिंग, कॉम्प्रेस गैस फीलिंग, जब आप बुक्स पे जाओगे, पर उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही नहीं है पहली बार, ठीक है। ज़्यादा बनेगा असर्शन रीजन, शायद इसी बार जो है पूछा गया है, बट आपको सिर्फ जनरली याद रखना है कि होता क्या है, ठीक है। कोल्ड फीलिंग नाम से समझ में आ रहा है कि हमने प्रोपेलेंट को बहुत ज़्यादा कूल कर दिया, क्योंकि हमने क्या बोला था, प्रोपेलेंट को हमें लिक्विफाई करना है, लिक्विफाई करने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कोल्ड फीलिंग में, हम प्रोपेलेंट को कूल करते हैं, ये टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए, -30 to 40 degrees Celsius, -30 to 40 degrees Celsius जो है हम लोग उसको कूल करते हैं, ठीक है। कूल कर दिया, उसके बाद हमने उसको API जो है उसमें कॉन्सनट्रेट कर दिया, और उसके बाद हमने उसको जो है कंटेनर में फिल कर दिया, दिस इज़ कोल्ड फिलिंग, ठीक है। फिर आता है प्रेशर फिलिंग, तो प्रोपेलेंट में हम बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, दो अप्रोच है, एक तो टेम्परेचर कम कर दो या प्रेशर बढ़ा दो। टेम्परेचर कम कहाँ कर रहे हैं, कोल्ड फिलिंग में, प्रेशर कहाँ पे बढ़ा रहे हैं, प्रेशर फिलिंग में। तो हमने वो उसको बहुत प्रेशर अप्लाई करके जो है हमने API में उसको मिक्स किया, फिर उसकी फिलिंग कर दी, हमने कंटेनर में भर दिया उसको, दैट इज़ प्रेशर फिलिंग। फिर आता है कॉम्प्रेस गैस फिलिंग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेशन हमने जो है कॉम्प्रेस गैस के साथ, एग्जाम्पल बताओ, ऊपर डिस्कस किया हमने कौन से कॉम्प्रेस गैस है, दो टाइप की देखी थी हमने, एक सोल्यूबल एक इनसोल्यूबल,
नो नहीं दिखी। कंप्रेस गैस कौन सी यूज कर रहा है एरोसोल में? CO2 यूज कर रहे हैं। और अच्छा NO बोल रहे हो। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मैं वही सोचू नो अभी बताया नहीं पता। ठीक है, तो कॉम्प्रेस गैस फिलिंग में हम लोग एरोसोल को जो है, या फिर जो प्रोपेलेंट है, कॉम्प्रेस गैस के साथ मिक्स करके जो है, कॉम्प्रेशन करके हम जो है कंटेनर में फिल कर रहे हैं। तो ये तीन आपको नाम भी याद करने हैं और ये टेम्परेचर कंडीशन वगैरह जो है आपको याद करना है। दैट्स इट। फिर आ जाओ टेस्टिंग। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से ये जो दो टेबल है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। अभी टेस्टिंग हमने बना लिया, सब कर लिया, अभी हमें टेस्ट भी करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जैसे हमने टैबलेट के वक्त बहुत सारी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स देखी थी, तो सिमिलर एरोसोल्स में हमें वो चीज़ देखनी होगी। तो सबसे पहले हमारी टेस्ट है एक फ्लेमिबिलिटी एंड कम्बस्टिबिलिटी। फ्लेमिबिलिटी एंड कम्बस्टिबिलिटी का मतलब ये है कि वो कितना देर तक कैच फ्लेम को कैच करता है, ठीक है, या फिर वो बर्स्ट होता है क्या, या फिर उसमें जलने की कुछ, जलना इन द सेंस वो हीट कैच करता है क्या, ये चीज़ हमें देखनी होती है। क्योंकि हमें इसको ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, इसलिए ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। नहीं तो हमने बहुत प्रेशर लगा के, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो हमारी ये घर की गैस होती है, ठीक है, जिस पे हम खाना बनाते हैं, वो भी जो गैस होती है ना, एक तो मिथेन गैस होती है, ठीक है, वो भी जो है प्रेशराइज करके भरी जाती है। मतलब जो गैस है उसको हम लिक्विफाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत बार ये सुना होगा कि वो जो है गाड़ी फूट गई या फिर सिलेंडर फट गए, वो किसके वजह से होता है? इसके वजह से होता है क्योंकि इसमें जो प्रेशर वगैरह है उसमें कभी फ्लेम पकड़ लेता है, या कम्बस्टिबिलिटी मुझे देखने को मिलती है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, जो स्प्रे है, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको हम स्प्रे करेंगे फ्लेम के पास 4 सेकेंड तक। और वो कितने देर तक उसकी जो आग निकल रही है या जितना वो फायर कैच कर रहा है उसके लेंथ को हम मेजर करेंगे। इसको हम बोलते हैं फ्लेमिबिलिटी एंड कम्बस्टिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सिर्फ हम उसको ये पूछा गया है कितने मिनट तक कर, मतलब कितने टाइम के लिए करते हैं, तो दैट इज़ फॉर 4 सेकेंड फ्लेम के पास, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेमिबिलिटी। फिर यहाँ आ जाता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट में हम लोग देखो ओपन ओपन टैग ओपन कब अपैरेटस, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अपैरेटस फ्लैश पॉइंट में यूज़ किया जाता है, या फिर टैग ओपन कर्व अपैरेटस कहाँ यूज़ किया जाता है, तो फ्लैश पॉइंट में। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को हम लोग सबसे पहले बहुत ठंडा कर देते हैं। कहाँ तक? -25 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अच्छे से याद कर लो, कहीं पे आपको डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, बट इसका क्या है, -25 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग फ्लैश पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने उसको पहले चिल किया, फिर हमने इसका थोड़ा 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 टेम्परेचर बढ़ाया, और हमने तब तक टेम्परेचर बढ़ाया जब तक उसमें से वेपर्स नहीं निकलती। जब उसमें से वेपर निकलना शुरू हो जाएगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्लैश पॉइंट, ठीक है। और इसको कहाँ पे करते हैं हम लोग, टैग ओपन कर्व अपैरेटस। पहले चिल कर दो, फिर थोड़ा 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 टेम्परेचर बढ़ाओ, जब तक वेपर्स आती है तब तक हम लोग उसको देखेंगे। जब वेपर्स आना शुरू हो जाएगा इसको हम बोलेंगे फ्लैश पॉइंट, ठीक है। फिर आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से को हम किससे मेजर करते हैं, प्रेशर गॉज से। ये तो आराम से आप आंसर बता सकते हो, मैच द पेयर में पूछा गया है। डेंसिटी, डेंसिटी के लिए आपको दो चीज़ याद करनी है, हमने ये इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। पिकनोमीटर यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर जो है डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अब आ जाओ मॉइस्चर कंटेंट। ये हमने प्री फॉर्मुलेशन में देखा था मॉइस्चर कंटेंट किससे किससे डिटरमाइन कर सकते हैं। तब मैंने आपको बोला था आपको दो ही नाम उसमें ज़्यादा याद करने हैं, कार्ल फिशर मेथड एंड सेकेंड इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी। ये दो चीज़ें जो है हम लोग गैस, ये इसको मत भूलना, ठीक है। कार्ल फिशर तो याद रह जाता है एक बार, पर गैस क्रोमेटोग्राफी याद नहीं रहता कि मॉइस्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ फॉर दी मॉइस्चर, ठीक है। तो कार्ल फिशर मेथड एंड गैस क्रोमेटोग्राफी दोनों याद करना है। और ये गैस क्रोमेटोग्राफी हमारे प्रोपेलेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। अगर मुझे प्रोपेलेंट को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी जो है यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोपेलेंट को। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट टेस्ट। जैसे मैंने आपको गैस का एग्जांपल बताया कि गैस ट्रांसपोर्ट में फट जाती है, जो भी है, इसकी अगर मुझे टेस्टिंग करनी है तो यहाँ पे हम लोग डॉट टेस्ट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट। यहाँ पे डॉट टेस्ट यूज़ हो रही है। कोई मुझे डोप टेस्ट के बारे में बता सकता है, डोप टेस्ट किसके लिए यूज़ होती है, डोप एंड डॉट हेपा फिल्टर के लिए, एथलेटिक्स, दैट इज डोप टेस्ट।
हेपा फिल्टर्स के लिए दो चीज़ें याद रखो, जहाँ पे अगर डॉट पूछा दैट इज़ फॉर एरोसोल, ठीक है, डॉट पूछा वहाँ पे एरोसोल, और जहाँ पे डोप DOP, फुल फॉर्म बता सकते हैं कोई DOP का? आपने शायद माइक्रो में पढ़ा होगा ना, स्टरलाइजेशन में नहीं पढ़ा क्या? फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म डाई ऑक्टाइल थैलेट, ठीक है, दैट इज़ DOP, और जो शालिनी बोल रही थी दैट इज़ DOPE, जहाँ पे हम लोग कौन से ड्रग का एनालाइज करते हैं एथलेटिक्स में, बताओ। अगर आपने इसका आंसर दे दिया मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है। डोप टेस्ट कौन से ड्रग के लिए करते हैं हम लोग? DOPE, डोप टेस्ट। आंसर दे दिया मतलब नेक्स्ट ईयर हम साथ में गरबा खेल रहे हैं इधर, फॉर श्योर। अगर नहीं भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, जाके पढ़ लेना, फिर भी गरबा खेल लेंगे साथ में। नहीं यार, नहीं पता किसी को, मिथाइल डोपा के लिए नहीं करते। एम्फेटामीन, सक्षम गेव द राइट आंसर, एम्फेटामीन। क्वेश्चन फिर से, ओपोइड्स, ओपोइड्स के लिए नहीं करते। डोप टेस्ट इज फॉर द एम्फेटामीन, एम्फेटामीन इज CNS स्टिमुलेंट, ठीक है, जो एथलेटिक्स यूज करते हैं अपनी शक्ति ताकत सब एक साथ लगाने के लिए। पढ़ो जाके थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछते हैं तो। डॉट टेस्ट, डोप टेस्ट मतलब डाइऑक्टाइल थैलेट वाली जो हम हेपा फिल्टर के लिए, और ये डोप टेस्ट, तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आ जाओ सामने, दिस इज लास्ट टेबल एंड लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। अभी हमने इवैल्यूएट कर लिया, अब मुझे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है कि कैसा परफॉर्मेंस शो कर रहा है, ठीक है, या फिर पार्टिकल साइज क्या है, नेट कंटेंट क्या है। तो अगर मुझे एरोसोल का वॉल्व डिस्चार्ज रेट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, पहले प्रोडक्ट का वेट लूँगी, फिर उसमें से प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करूँगी, और डिस्चार्ज करने के बाद मैं फिर से उसको वेट करूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मेरा ड्रग वॉल्व से डिस्चार्ज हुआ है जब मैंने एक्चुएटर प्रेस किया, ठीक है। सिंपल है, पहले वेट ले लो पूरे इसका, फिर एक बार स्प्रे करो, दो बार स्प्रे करो, मतलब पर्टिकुलर टाइम तक पहले स्प्रे करो, फिर इससे का फिर से वेट ले लो, तो आपको समझ जाएगा कि मेरा वॉल्व का डिस्चार्ज रेट क्या है, दैट इज़ एरोसोल वॉल्व डिस्चार्ज रेट। फिर आता है स्प्रे पैटर्न, और स्प्रे पैटर्न में क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है जो मेरा डाई टैल्क से कोट रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर हम एरोसोल को स्प्रे करेंगे, और जो भी कुछ मुझे पैटर्न देखने को मिलेगा वो मेरा किसका पैटर्न होगा, स्प्रे पैटर्न होगा एरोसोल का, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आता है फोम स्टेबिलिटी, ये आपको याद होना चाहिए। फोम स्टेबिलिटी के लिए हम रोटेशनल विस्कोमीटर यूज़ करते हैं, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। फोम स्टेबिलिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा विस्कोमीटर यूज़ करते हैं, तो रोटेशनल विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। फिर आता है नेट कंटेंट, नेट कंटेंट भी इजी है निकालना, पहले खाली कंटेनर का वेट ले लो, ठीक है, फिर उसमें भर दो जो भी हमारा कुछ सामान है भर दो, और भरने के बाद वेट ले लो, तो समझ जाएगा कि नेट कंटेंट मेरा कितना है, मतलब कंटेनर का कितना वेट था और मेरे ड्रग का कितना कंटेनर है, ये मुझे नेट वेट पता चल जाएगा। फिर आता है पार्टिकल साइज़, जैसे हमने पार्टिकल के बारे में, साइज़ के बारे में बहुत डिस्कस किया कि पार्टिकल साइज़ इंपॉर्टेंट है एरोसोल में, तो इसको भी हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। किससे डिटरमाइन करेंगे, फर्स्ट इज़ माइक्रोस्कोपी, ठीक है, सेकेंड इज़ कास्केड इम्पैक्टर, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार प्रिंसिपल जो है इफ़ यू विश देख सकते हो। पर कास्केड इम्पैक्टर के बारे में तो नहीं पूछेंगे आपको, इंजीनियरिंग में ये जब साइज वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तब आपको आ जाएगा व्हाट इज कास्केड इम्पैक्टर। मुझे बताओ ये जो है अपना पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वॉल्यूम जो हम निकालते थे, कौन सा अपैरेटस था वो, किस मेथड से निकाल रहे थे हम लोग पार्टिकल साइज पार्टिकल वॉल्यूम? काउंटर, ठीक है, काउंटर, काउंटर था वो, काउंटर करंट था, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस कितना है जब करंट फ्लो कर रहा है उसमें कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, वो क्या है मेरा कास्केड, मतलब वो क्या है मेरा काउंटर, काउंटर है। सिमिलर कास्केड इम्पैक्टर का भी सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म है, एक बार आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, पर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है।
फिर आज आप पार्टिकल साइज नाम याद रखना है, पर आपको पार्टिकल साइज अगर पूछा एरोसोल का किससे निकालते हैं तो कैस्केड इम्पैक्ट। फिर आता है मेरा लाइट स्कैटरिंग मेथड, जितना ज़्यादा मेरा लाइट स्कैटर होगा उतना ज़्यादा मेरा पार्टिकल साइज होगा, राइट। जितना ज़्यादा लाइट स्कैटर उतना ज़्यादा पार्टिकल साइज। फिर आ जाओ मेरा गामा स्टिंगटीग्राफी, यहाँ पे हम लोग गामा रेज वगैरह को जो है यूज़ करके हम पार्टिकल साइज निकालेंगे। इसके भी आपको डिटेल में इतनी जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछेंगे, ठीक है। बस आपको इसके नाम याद कर लो, पार्टिकल साइज में माइक्रोस्कोपी, कैस्केड इम्पैक्टर, लाइट स्कैटरिंग मेथड एंड गामा स्टिंगटीग्राफी। दिस इज़ ऑल अबाउट एरोसोल। एनी थिंग, एनी डाउट हियर? एनीथिंग, एनी डाउट? सब क्लियर है? सब मजा में? ऑल क्लियर? ठीक है, जितना बोला है उतना करना। हाँ, मैं भेज देती हूँ, एक्चुअली मैं दीपांशु को भेज देती हूँ, ये दीपांशु विल अपलोड दिस। मजा में? तमे पन गरबा आवड़े छे? आवड़े छे? सारस, चलो ठीक है, फिर खाना वाना खाओ, मजे करो, और कुछ रहे तो बोल सकते हो। और कहाँ गया ये गूगल मीट?